Next example is चलो यहां पे देखो कितने जीआई हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स होते हैं तो जीआई तो होगा ही होगा, तो यहां पे जीआई होगा। और फिर हम क्या करते हैं, सारों को मिला के एक मान लेते हैं, सारों को मिला के एक मान लेते हैं, तो एक मान लेते हैं तो नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे यहां पर, फिर से होंगे 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूं मैं, चलो जी अब इसको देखो आप, इसमें कितने जीआई होंगे, कुछ समझ में आ रहा है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस 2, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस 2, यहां क्या हुआ ये देखो, यहां तो 2 डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो इसके क्रॉस तो होगा ही नहीं, इसके क्रॉस होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स है, 2 इवन नंबर, इसे इसके क्रॉस नहीं होगा, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2। आई होप आप बात समझ रहे हो, एक्चुअली में हमें हर डबल बॉन्ड की पोजीशन पे जाके देखना होता है कि वहां पे जीआई हो सकता है कि नहीं। जैसे यहां पे देखा ये डबल बॉन्डेड है, यहां पे हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, यहां पे दूसरा मिथाइल है, तीसरा ये पूरा ग्रुप है यहां पे लगा हुआ, तो हमने देख लिया कि यहां पे जीआई हो सकता है। यहां पे देखने गए तो यहां तो 2-2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स है जो इवन नंबर है, इससे वहां पे तो जीआई हो ही नहीं सकेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ये लेते हैं, तो अब यहां पे भी देखिए, पर यहां पे आप देख सकते हो स्टीरियो सेंटर है 1 2 3 4, यहां पे आपके पास जो स्टीरियो सेंटर्स हैं वो है 1 2 3 4, और दोनों एंड्स ये डबल बॉन्डेड से देखें तो यहां पे एक CH और लगा के CL लगा देते हैं। तो आपके पास जो रूल है वो क्या कहता था, देखो बेटा फिर एक बार अपन रिवाइज कर लें, जब दोनों एंड्स डिफरेंट होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला होता है 2^n, जब दोनों एंड सेम होते हैं आइडेंटिकल होते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स है कि ऑड नंबर, यहां पे स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये इवन नंबर है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2^4 − 1 n − 1 प्लस 2^4/2 − 1, तो ये आ रहा है 8 और ये आ रहा है प्लस 2, तो ये है, ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है, दोनों एंड्स आप देखो सेम है, दोनों एंड सेम है
और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर देखो यहां डबल बॉन्ड के क्रॉस भी आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस वाले डबल बॉन्ड के क्रॉस भी आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस भी आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इस वाले पॉइंट पे ये यहां पे इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, तो इसमें भी सिस ट्रांस हो सकता है। इसलिए हमारे पास चार सेंटर हैं, स्टीरियो सेंटर 1, ये 2, ये 3, ये 4, इससे हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीआई आ गए 10। अब एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं जहां पे नंबर ऑफ जीआई अपने को देखना है, वो है अब देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस एंड पे क्या है मिथाइल है, इस एंड पे क्या है OH है, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है और स्टीरियो सेंटर हमारा एक ये है और एक ये है, दो स्टीरियो सेंटर है, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2^n, दैट इज 2^2, दैट इज 4। क्यों? क्योंकि दोनों एंड्स अलग अलग हैं, जब दोनों एंड्स अलग अलग होते हैं तो हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स गिनने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ 2^ में जितने स्टीरियो सेंटर से वो लगा देते हैं, तो ये हो गया 2^n। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल यदि लेते हैं तो हमारे पास ये एग्जांपल है, आप ये देख रहे हो, समझ में आ रही है आपको बात। अब यहां पे आप ऐसे देखो तो स्टीरियो सेंटर एक ये वाला है और एक ये वाला है, हमारे पास दो स्टीरियो सेंटर हैं, कोई एंड्स हमें ऐसे सिमिलर दिख भी नहीं रहे कि दो एंड्स हम बोल दे सिमिलर है, दोनों एंड्स बिल्कुल सिमिलर नहीं है, और ये दो स्टीरियो सेंटर है, ये वाला भी तो स्टीरियो सेंटर है। आप सबको पता है कि साइक्लिक कंपाउंड्स में, साइक्लोएल्केन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि साइक्लोएल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं जब हमारे पास सारी कंडीशन जो है वो जस्टिफाइड हो रही हो। तो यहां पे यदि आप बात करोगे तो यहां पे भी बन सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और यहां पे भी बन सकता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला क्या हो गया 2^2, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीआई जो होंगे वो होंगे 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो उसमें है हमारे पास में यहां पे देखो बेंजीन रिंग के आसपास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता, ये बेंजीन रिंग जो है इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, दो ग्रुप्स नहीं लगे किसी कार्बन पे कि हम उनकी पोजीशन देखें, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दो एंड्स अलग अलग हैं, ये और ये दोनों एंड्स अलग अलग हैं, और स्टीरियो सेंटर कितने हैं 1 और 2, देयर टू स्टीरियो सेंटर्स, इसलिए यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फिर से हो जाएंगे 4। ठीक है, अब आई एम श्योर आप क्लियर होते जा रहे हो, ये एग्जाम्पल्स आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो आपको समझ में आ रही है बात कि हम एग्जैक्टली देखते क्या हैं, जब हमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स गिनने रहते हैं तब हमें क्या देखना रहेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यहां पे बोलो जी क्या दिख रहा है आपको, दोनों एंड्स अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों एंड सेम नहीं है, यहां पे मिथाइल के साथ बेंजीन लगा हुआ है, यहां CHO लगा हुआ है, और मतलब डबल बॉन्डेड ग्रुप को देखें, यदि N से डबल बॉन्ड चालू हो रहा है तो यहां का ग्रुप तो ये वाला है, और यहां पे C पे है डबल बॉन्ड तो ये ग्रुप ये रहा, तो ये दोनों ग्रुप तो बिल्कुल अलग है, इससे कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2^n। अब 2^n का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहां पे एक स्टीरियो सेंटर है, यहां पे एक स्टीरियो सेंटर है, इसे नंबर ऑफ जीआई विल बी 2^2, दैट इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लें तो मेरे पास ये एग्जांपल है, यहां पे देखो आप इस केस में क्या हो रहा है,
ये डबली बॉन्डेड फर्स्ट एटम ये है तो ये ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड डबली बॉन्डेड फर्स्ट एटम पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों एंड्स आइडेंटिकल हैं। इसलिए अब मैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स गिन लेती हूं, 1, 2, 3, ये ऑड नंबर है। तो स्टीरियो सेंटर्स मेरे पास 1, 2, 3 है, तो फॉर्मूला लगेगा 2^n-1 +2^n-1/2। तो ये कितना आ रहा है, 2^3-1 = 2 +2^1, तो इसका आंसर आ रहा है 6। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तीन ले दे के सिर्फ तीन फॉर्मूले हैं, तो आपको यदि वो फॉर्मूला याद हो गए हैं सारे तीनों फॉर्मूले इफ यू रिमेंबर, तो आपको सिर्फ ये डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट करना होता है। अब यहां पे एक और ले लेते हैं हम, यहां पे देखो, यहां पे ये सेम, दोनों एंड सेम, स्टीरियो सेंटर 1, 2, 3, 4 इज इवन नंबर, तो यहां हो जाएगा 2^4-1 +2^4/2-1, तो ये हो गया 2^3 +2^1। ये हो गया, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द गिवन कंपाउंड। इज दैट क्लियर? हमने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स गिनने थे, वो हमने गिने और हमने ये ध्यान रखा कि यदि क्यूमुलेटेड बहुत सारे डबल बॉन्ड एक साथ है तो हम उन सबको एक ही कंसिडर कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। बस ये ध्यान रख लेते हैं कि यदि सारे डबल बॉन्ड्स की कैलकुलेशन करने पे यदि इवन नंबर आता है तो वो जीआई शो नहीं करेगा, और यदि ऑड नंबर आता है तो वहां पे जीआई होगा। उसके अलावा हमने बाकी फॉर्मूले लगा लिए, मतलब हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मतलब बस देखा और फॉर्मूला लगा लिए, गिन लिए ये तीन चार है, नहीं ऐसे नहीं करना है। हमने आपको मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए उसमें सारी वेराइटी दे दी कि कई बार ऐसा भी हुआ कि वहां डबल बॉन्ड होते हुए भी वो स्टीरियो सेंटर नहीं था, क्योंकि उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम थे, तो यदि दोनों ग्रुप सेम थे तो वहां तो जीआई होगा ही नहीं, इससे मैंने उस वाले डबल बॉन्ड को गिना ही नहीं, मैंने उसको स्टीरियो सेंटर नहीं माना। स्टीरियो सेंटर उसी को मानेंगे जहां पर हमें, जिसके कारण हमें जीआई मिल रहा होगा या ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा होगा, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। होने तो डबल बॉन्ड है तो है, पर यदि उसके डबल उस डबल बॉन्ड के कारण हमें जीआई नहीं मिल रहा है तो हम उसको स्टीरियो सेंटर नहीं मानेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी, जहां पे टर्मिनल दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड था पर उन कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे थे, दो हाइड्रोजन लगे होते, दो मिथाइल लगे होते, दो इथाइल लगे होते, दो क्लोरीन लगे होते, यदि सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं तो हमें उस डबल बॉन्ड के आसपास जीआई नहीं मिलता, हम उस जीआई को नहीं गिनेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी रहती है, और हमें डबल बॉन्डेड जो फर्स्ट इस एंड पे डबल बॉन्ड होगा और उस एंड पे डबल बॉन्डेड फर्स्ट कार्बन होगा, उन पे लगे हुए पूरे ग्रुप को एक मानते हैं। जैसे मैंने यहां डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे लगे इस पूरे ग्रुप को एक माना है, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगे हुए सीएचओ को एक ग्रुप माना है। तो अपन जहां पे भी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे यहां डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डिंग यहां से शुरू हुई है, तो ये पूरा एक ग्रुप माना जाएगा और ये पूरा एक ग्रुप माना जाएगा। तो इस तरह हम ग्रुप्स गिनते हैं और फिर सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। दो एंड्स यदि अलग हैं तो फॉर्मूला 2^n, दो एंड्स यदि सिमिलर हैं तो फिर हमको गिनना पड़ेगा कि स्टीरियो सेंटर जिनके कारण हमें जीआई मिल रहा है वो गिनने पड़ेंगे, जिनके होते हुए भी जीआई में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है हम उनको नहीं गिनेंगे। तो जिनके कारण जीआई हो रहा होगा हम उनको गिन लेंगे, यदि वो ऑड नंबर हुआ तो फॉर्मूला अलग है और इवन नंबर हुआ तो फॉर्मूला अलग है, और ये सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं और मैंने उनको यूज करके भी आपको दिखा दिया कि आप कैसे यूज करोगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीआई इज पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई, डिफरेंट जीआई की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे अलग हो सकती हैं, हम इसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। चलो अब ये सारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे अपना डिस्कशन था ये हो गया, अब हमको समझ में आने लग गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ होते हैं और कब हम गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, किस केस में होगा किस में नहीं होगा।
अब हम थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर कर लेते हैं कि यदि मेरे पास सिस और ट्रांस है तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या कुछ डिफरेंस होता है और यदि होता है तो क्यों होता है। जैसे फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज, अब मैं यहां पे लिख लेती हूं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ले लेते हैं हम डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आप सबको पता है, अपन निकालते हैं क्यू इंटू आर से, डिस्टेंस और जो भी पोलैरिटी डेवलप हुई होती। कोवलेंट कंपाउंड्स में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलैरिटी डिफरेंट पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। आयनिक कंपाउंड तो पोलर होते ही हैं। मान लो मेरे पास NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, वो तो डिस्टिंक्टली दो पोल्स बन गए होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और एक नेगेटिवली चार्ज एनायन। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी हमें पता है यदि दोनों कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स में नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने के कारण उस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं होती है। पर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो बॉन्ड पोलर होता है। जैसे यदि मैं बात करूं मेरे पास Cl और Cl के बीच का बॉन्ड है तो ये तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो एग्जैक्टली दोनों क्लोरीन के बीच में होगा। वहीं यदि मेरे पास एच और सीएल के बीच में बॉन्ड है तो यहां पे पोलैरिटी आ जाएगी क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो हमारे पास में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव कहते हैं। तो ये जो क्यू है ये वाला चार्ज है और आर जो है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स। तो हमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना पड़ता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लें, मेरे पास यदि CO2 है तो हमें पता है ये वाला बॉन्ड इस साइड पोलर है, ये वाला बॉन्ड इस साइड पोलर है, तो नेट जो म्यू आएगा डायपोल मोमेंट आएगा वो तो जीरो आएगा, वो जीरो आएगा। पर वही यदि मैं बात करूं मेरे पास BF3 है, मुझे पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन से, इसलिए ये बॉन्ड की पोलैरिटी इस साइड होगी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस साइड होगी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस साइड होगी और यदि हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो म्यू आएगा जीरो। इसका म्यू जीरो आएगा क्योंकि सारे बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। वहीं यदि मैं अमोनिया लेती, अब इसमें इसकी पोलैरिटी इस साइड जा रही है, इसकी पोलैरिटी इस साइड जा रही है, इसकी पोलैरिटी इस साइड जा रही है और इसकी पोलैरिटी इस साइड जा रही है, तो कुल मिला के रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि सारे बॉन्ड्स में इन तीनों की पोलैरिटी का रिजल्टेंट और ये लोन पेयर के कारण जो रिजल्टेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, इसे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पर यही यदि अपन ले लेते CH4, अब ये इधर जा रहा है डायपोल क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डायपोल मोमेंट इस साइड है, ये डायपोल मोमेंट इस साइड है और ये डायपोल मोमेंट इस साइड है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है और इस CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट नीचे जा रहा है और ये दोनों डायपोल मोमेंट, कौन से दो डायपोल मोमेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एंड इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। वो क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है इसलिए इनका म्यू हो गया जीरो। तो इस तरह हमें पहले ये देखना होता है कि जो भी बॉन्ड हम बात कर रहे हैं क्या वो बॉन्ड पोलर है कि नहीं, और वो पोलैरिटी डिपेंड करेगी कि दोनों कंबाइनिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट उस एटम की तरफ ज्यादा होगा। जैसे H और Cl में हमें पता है कि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में होगा। यहां हमने देखा C और H की जो बॉन्डिंग थी उसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये जो डायपोल मोमेंट है ये कार्बन की तरफ था। यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका डायपोल जो है वो नाइट्रोजन की तरफ है। इस तरह हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए और हमें यह भी पता होना चाहिए
कि कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी हम उस बॉन्ड की पोलैरिटी डिसाइड कर पाएंगे और डायरेक्शन बता पाएंगे कि किस साइड उसका डायपोल मोमेंट है, और फिर उस मॉलिक्यूल में जितने भी डायपोल्स आ रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट अपने को देखना पड़ेगा, वो जीरो है या नहीं है। वैल्यू एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट, उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं है। तो हम ये वाली चीज अप्लाई करके देख लेते हैं सिस और ट्रांस में। जैसे सिस और ट्रांस की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल यदि हम ये लें ब्यूट टूइन, तो हमें पता है इसके ये पॉसिबिलिटीज है। ये हमारे पास हो गया सिस और ये हमारे पास हो गया ट्रांस, सिस ब्यूट टूइन एंड ट्रांस ब्यूट टूइन। अब देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जितना ज्यादा यहां पे आप देख रहे हो s कैरेक्टर जितना बढ़ता जाता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। यहां पे s कैरेक्टर कितना है 33.3%, यहां पे s कैरेक्टर कितना है 25%। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये डायपोल इस साइड, ये डायपोल इस साइड, तो रिजल्टेंट इस साइड। यहां पे आप देखोगे ये डायपोल इस साइड, ये डायपोल इस साइड, तो रिजल्टेंट जीरो, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए आप क्या बोलोगे, म्यू फॉर सिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट म्यू फॉर ट्रांस इन दिस कंपाउंड इज इक्वल टू जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने देखा, हमने यहां पे sp3 और sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे उनका अरेंजमेंट करके देख लिया। यहां पे ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, इससे नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो रहे हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इसलिए वो जीरो हो रहे हैं, और यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए एडेड अप हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो जीरो नहीं है। इसका यदि दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे लें, फ्लोरीन लगा दें, ये फ्लोरीन लगा दिए हमने, ये सिस है ये ट्रांस है। अब हमें पता है ये कार्बन है फ्लोरीन है, तो ये तो इधर ही होगा, ये भी इधर होगा, तो रिजल्टेंट कितना हो, एडेड अप हो जाएगा, इधर होगा। यहां पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो फिर म्यू इसका जीरो, मतलब इसका म्यू जीरो नहीं है, इसका म्यू जीरो है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल यदि हम ले लें ऐसे, इसका भी अपन करके देख लेते हैं। आपको पता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस साइड होगा। यहां पे कार्बन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका इधर होगा, आप देख रहे हो। अब यहां पे ये वाला बॉन्ड जो है ये ज्यादा पोलर है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, यहां पे दोनों कार्बन एक sp3 और एक sp2, इसे वो उतने पोलर नहीं होंगे, तो यहां पे रिजल्टेंट कुछ होगा, मतलब म्यू के नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहां पे आप देखोगे ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, पर क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों डायपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर हमें यह बताना है कि क्या ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट दो कार्बन बॉन्ड्स के बीच के लिए है और ये डायपोल मोमेंट कार्बन और क्लोरीन के कारण है। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा इसलिए ये वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दिस। यदि इसका डायपोल मोमेंट μ1 है, इसका डायपोल मोमेंट μ2 है, तो हमें पता है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ये ट्रांस होते हुए भी नेट μ इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट μ निकालेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, जबकि ट्रांस है
ट्रांस होते हुए भी नेट म्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बॉन्ड्स के जो डायपोल मोमेंट है वो भले ऑपोजिट डायरेक्शन में है पर इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम ले लें, इस केस को आप देखो, यहां पे आपके पास में CH3 है, यहां पे आपके पास में C2H5 है, CH3 और C2H5 इन दोनों का सेम नहीं हो सकता, भले यहां पे एक कार्बन लगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर फिर हमें मिथाइल और इथाइल को कंपेयर करना पड़ेगा और हमें पता है इसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई कम है। तो ये जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये अपने से दूर कर रहा है, पर ये अपने से दूर ज्यादा करेगा क्योंकि इसका प्लस आई ज्यादा है। तो हम इस बॉन्ड को यदि यहां पोलर करेंगे ऐसे, तो इसको भी हम यहां पोलर कर सकते हैं ऐसे, और इस वाले केस में ये इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है। तो यदि आप कंपेयर करते हो तो आपको डायपोल मोमेंट कैसा दिखेगा, यहां पे ये इधर जा रहा है, आई एम सॉरी ये वाली डायरेक्शन गलती कर दी अपन ने, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो जाना तो इसी के साइड है, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये एडेड अप होगा, ये एड अप हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, पर पूरा कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो यदि आप इसका म्यू नेट लेते हो म्यू वन और इसका म्यू नेट लेते हो म्यू टू, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है इसमें एड अप हो रहे हैं, इसमें कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू एंड म्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भले एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर ये पूरा कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे मिथाइल लगा है और यहां पे इथाइल लगा है, इससे वो एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि डायपोल मोमेंट किसी का जीरो होगा कि नहीं होगा, और किस केस में दो बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट्स एड अप होंगे और किस केस में वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज से डिसाइड होगी ये वाली बात, ये बात डिसाइड होगी डायरेक्शन से। तो हम डायरेक्शन के बेसिस पर जब डिसाइड करते हैं तो ये एग्जाम्पल्स है, मैं आपको और एग्जाम्पल्स अभी दे देती हूँ। चलिए पहले ये एग्जाम्पल्स अपन कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पे ये डायपोल मोमेंट इस साइड जा रहा है, यहां पे ये इस साइड जा रहा है,
और हमें वेक्टर वाले फॉर्मूले से रिजल्टेंट निकालना रहता है। वो था ना अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, उससे हमें निकालना रहता है। तो ये आपको दिख रहा है कि इसका म्यू तो जीरो होगा, एक इस साइड खींच रहा है, एक इस साइड खींच रहा है, इसका म्यू जीरो होगा। इस केस में रिजल्टेंट कोई वैल्यू आएगी, पर यहां पे जो थीटा रहेगा वो आपको दिख रहा है 120 डिग्रीज रहेगा, और यहां पे जो थीटा रहेगा वो 60 डिग्रीज रहेगा। ये जो बॉन्ड एंगल है ये हमें पता है, ये 60 डिग्री रह, ये 120 डिग्री रहने वाला है, ये 60 डिग्री रहने वाला है। तो हम यदि फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो इसका जीरो होगा, इसका जीरो नहीं होगा, इसका जीरो नहीं होगा, पर ऑर्डर ये रहेगा। आप वो फिजिक्स में वेक्टर से करते हो ना, अंडर रूट ऑफ डायपोल मोमेंट, जब दो वेक्टर्स का आप वो निकालते हो, रिजल्टेंट निकालते हो, तो आप कैसे करते हो, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, उसी से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्योंकि कॉस थीटा कॉस 120 डिग्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये ऑर्डर आता है। इस केस में इसका रिजल्टेंट तो इधर जा रहा है, इसमें इसका रिजल्ट, इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एज इफ देयर इज ओनली वन सीसीएल बॉन्ड। इन दो सीसीएल बॉन्ड का जो रिजल्टेंट होगा और एक सिंगल सीसीएल बॉन्ड का रिजल्टेंट निकालोगे यदि, तो वो तो सेम आएंगे, वो सेम आ जाएंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा। आप रिजल्टेंट निकाल के देख लो, दोनों का वैल्यू सेम होगी। इस केस में ये डायपोल मोमेंट इस साइड है, ये डायपोल मोमेंट इस साइड है। आप सबको पता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें यह भी पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें s परसेंटेज ज्यादा होता है। तो एक डायपोल मोमेंट नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, इसलिए इसका म्यू जीरो है। यहां पे एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो इनका म्यू जीरो नहीं हो सकता। ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका म्यू जीरो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इसका ज्यादा है ना। और इस केस में देखो क्या हो रहा है, ये इधर और ये भी इधर, ये दोनों एड अप हो रहे हैं, ये दोनों एड अप हो रहे हैं। यहां पे ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है ना। किससे डिसाइड करते हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है डायपोल मोमेंट उस साइड होता है। तो यदि अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें साफ दिख रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इन जनरल यदि हम सिस ट्रांस के भी आपको एग्जांपल्स लेके बता दिए, साथ में थोड़े ये दो चार और कवर कर दिए कि हम डायपोल मोमेंट के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम किस बेसिस पे बात करते हैं, है ना। तो हमने जीआई के भी डायपोल मोमेंट्स ले लिए। अब मेरे को नेक्स्ट चीज जो लेनी है वो मुझे लेनी है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है इट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट सिस और ट्रांस कंपाउंड्स के, एक ही कंपाउंड के जो सिस और ट्रांस फॉर्म्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना होता है। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आपको ध्यान में है ये कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, और लास्ट वाला जो है वो होता है कौन सा, वैन डर वाल, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके बेसिस पे हमें बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना रहता है। और आपको यह भी पता है कि सरफेस एरिया यदि कम होता है तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा।
मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अलावा सिमेट्री भी देखते हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अलावा हमें सिमेट्री भी देखनी है, मतलब यहां पे हम सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं देखते बट हम यहां पे सिमेट्री भी देखते हैं, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, हम यहां पे सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल भी देखते हैं। सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल में ये ऐसा होता है कि जो जितना अच्छा ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो उतना अच्छा क्रिस्टल लैटाइस में फिट होगा, और यदि क्रिस्टल लैटाइस में वो अच्छे से फिट होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता ही है, पर इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेल्टिंग पॉइंट के समय कंसिडर करना ही पड़ता है, वो है उस मॉलिक्यूल की सिमेट्री। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही अच्छे से क्रिस्टल लैटाइस में फिट होगा, और जो क्रिस्टल लैटाइस में जितना ज्यादा फिट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यदि अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ले यदि ये वाला, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, दिस इज इसकी पोलैरिटी, पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, पोलैरिटी किसकी, सिस की ज्यादा है ट्रांस से, और सिमेट्री किसकी ज्यादा है, ट्रांस की ज्यादा सिमेट्री है सिस से। ये पोलैरिटी में ज्यादा है, अभी अपन ने डायपोल मोमेंट में देखा था कि सिस की पोलैरिटी ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था और रिजल्टेंट इधर आ रहा था, इसका ये इधर आ रहा था और इसका ये इधर जा रहा था, तो रिजल्टेंट उसका कैंसिल होके जीरो हो जा रहा था, तो पोलैरिटी सिस की ज्यादा है जबकि सिमेट्री ट्रांस में ज्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। तो आप देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट में जो है ट्रांस का ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं, यहां पे भी सेम आंसर आएगा जो यहां पे आया, क्योंकि देखो इसकी पोलैरिटी इधर जा रही है, इसकी पोलैरिटी इधर जा रही है, रिजल्टेंट इधर जा रहा है, इसकी पोलैरिटी इधर जा रही है, इसकी पोलैरिटी इधर जा रही है, तो ये ज्यादा पोलर हुआ, ये ज्यादा पोलर हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी तो इसमें ज्यादा सिमेट्री है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। आप ध्यान से सोच लो कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है ट्रांस वाले का ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस वाले का ज्यादा है, क्योंकि सिस वाले के डायपोल मोमेंट ज्यादा है, उसमें पोलैरिटी ज्यादा है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि इसमें सिमेट्री ज्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। थर्ड एग्जाम्पल यदि अपन ऐसे लेते हैं, चलो इस केस में देखते हैं अपन, ये इधर ये इधर, तो रिजल्टेंट इधर, ये इधर ये भी इधर, तो रिजल्टेंट इधर, तो पोलर ज्यादा कौन हो गया, इसका म्यू वन है, इसका म्यू टू है, यहां दोनों एडअप हो रहे हैं, सो म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, एंड क्या हुआ, दिस इज मोर सिमेट्रिकल ऑल्सो, दिस इज मोर सिमेट्रिकल, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोथ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस,
ये जो ट्रांसफॉर्म है उसमें आप देखो इसका डायपोल मोमेंट भी नीचे जा रहा है, इसका डायपोल मोमेंट भी नीचे जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट इसका ज्यादा है, जबकि इसका एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, म्यू किसी का भी जीरो नहीं है, पर इसका म्यू ज्यादा है, म्यू टू इज नॉट इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन। आप ध्यान से देखो, ये भी इधर जा रहा है, ये भी जा रहा है, दोनों एडअप हो रहे हैं, इसलिए इसका जो म्यू टू है वो इसके म्यू वन से ज्यादा है। तो पोलैरिटी इसकी ज्यादा हुई, पोलैरिटी इसकी ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें सिमेट्री ज्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे हो गए जिसमें दोनों ही चीजें किसकी ज्यादा है, ट्रांस की। अब फोर्थ एग्जाम्पल अपन यदि ऐसे लेते हैं, इधर देखो, जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको दिख रहा है कि यहां पे पोलैरिटी कम है पर सिमेट्री ज्यादा है, यहां पे पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी जीरो है, तो दिस इज मोर पोलर। यदि आप देखोगे सो दिस इज मोर पोलर, दिस कंपाउंड इज मोर पोलर, दिस इज मोर पोलर एंड दिस इज मोर सिमेट्रिकल। मोर सिमेट्रिकल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ये मोर पोलर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो उतने ही अच्छे से क्रिस्टलाइटाइज में फिट होगा इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, ठीक है। सो दिस इज अबाउट, नाउ लेट्स हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी। लेट्स ट्राई एंड कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस ऑल्सो आफ्टर ज्योमेट्रिकल टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, वी हैव डन सिंपल वंस, नाउ इट्स टर्न to know about optical isomerism. Some organic compounds are optically active. What does it mean? Optically active actually mean, मतलब you cannot look at the structure. यदि आप चाहो कि structure देख के बता दो कि ये dextro rotatory होगा या levo rotatory होगा, ये नहीं पता चल सकता हमें, structure देख के सिर्फ ये पता चल सकता है कि ये compound optically active होगा कि नहीं होगा। तो optically active होने का meaning क्या है? Optically active होने का meaning ये है कि यदि एक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से ऑप्टिक हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास करी तो वो उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा कि लेफ्ट में, यह बात सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही पता चल सकती है। हम चाहें कि स्ट्रक्चर देख के बता दें कि कौन राइट में रोटेट करेगा और कौन लेफ्ट में रोटेट करेगा तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप यहां पे देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने क्या लिखा, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब यहां जो टर्म्स है कुछ, प्लेन पोलराइज लाइट, देखो नॉर्मली हमारे पास जो भी एक लाइट का सोर्स रहता है वो जो लाइट रेडिएशन एमिट आउट करता है वो सारे प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो जो उनकी वाइब्रेशंस रहती है वो सारे प्लेन्स में रहती हैं। पर जब हम उस लाइट को जो प्लेन पोलराइज नहीं है जिसके वाइब्रेशंस अभी सारे प्लेन्स में हैं उसको एक निकोल प्रिज्म में से पास किया जाए, निकोल प्रिज्म जो है वो कैल्साइट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है निकोल प्रिज्म, वो निकोल प्रिज्म क्या करता है, सारी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के। मतलब अब जो निकोल प्रिज्म में से लाइट बाहर आती है उसके वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में हो रहे होते हैं, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लिए गए होते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो ये हमारे पास एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट है विच इज नॉट प्लेन पोलराइज, उसके वाइब्रेशन सारी जगह है,
फिर हमने उसको एक मोनोक्रोमेटर में से पास किया, तो अब हमारे पास एक ही वेवलेंथ की लाइट बची। ये जो लाइट थी ये एक वेवलेंथ की नहीं थी, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं थी, ये पॉलीक्रोमेटिक थी, उसमें एक वेवलेंथ नहीं थी, उसमें ज्यादा वेवलेंथ थी, और वो प्लेन पोलराइज भी नहीं थी, उसके वाइब्रेशन सारे प्लेन में थे, पर पहले मैंने उसे मोनोक्रोमेटर में से पास किया, तो अब मुझे जो रेडिएशंस मिली हैं वो एक ही वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं। फिर मैंने उनको निकोल प्रिज्म में से पास कर दिया, तो अब मेरे पास जो रेडिएशंस मिली हैं दे आर वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन, तो अब जो रेडिएशंस हैं उसको हम बोलेंगे ये तो मोनोक्रोमेटिक भी है और ये प्लेन पोलराइज लाइट भी है। उसको जब हम एक सोल्यूशन में से पास करेंगे जो हमको लगता था कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमने जब उस सोल्यूशन में से पास किया और फिर रिकॉर्डर में नोट किया, तो यदि वो सोल्यूशन किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का होगा तो हमें उसकी कोई भी रोटेशन नहीं दिखेगा। हम जब आईपी से नोट करेंगे तो रेडिएशंस बिना डिफ्लेक्टेड जिस प्लेन में वो मूव कर रही थी या वाइब्रेट कर रही थी अभी भी उसी प्लेन में वाइब्रेट कर रही होंगी। यदि ऐसा होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पर यदि वो जो प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी अब उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, यदि वो राइट में डिफ्लेक्ट कर दिया तो फिर वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और यदि लेफ्ट में रोटेट किया तो वो कंपाउंड लिवो रोटेटरी था। सो व्हाट डू वी से, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज अ वन हूज सॉल्यूशन चेंजेस द प्लेन और रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ईदर टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट। व्हेन आपके पास एक पोलारीमीटर की ट्यूब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, उसमें से आपने प्लेन पोलराइज लाइट पास करी, यदि उसके प्लेन को उस सॉल्यूशन में राइट में रोटेट कर दिया तो उस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और यदि उसने लेफ्ट में उसको रोटेट कर दिया प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को यदि लेफ्ट में रोटेट कर दिया तो वो लिवो रोटेटरी कंपाउंड है। तो यहां पे आपको ये पूरा सिस्टम बता दिया, और फिर हम ये कह रहे हैं कि जब एंगल ऑफ रोटेशन जीरो है मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यदि एंगल ऑफ रोटेशन प्लस एक्स डिग्रीज आया मतलब राइट की तरफ रोटेट हुआ है तो फिर हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि लेफ्ट की तरफ रोटेट हो गया होगा तो हम उसको बोलेंगे लिवो रोटेटरी। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, दिस इज हाउ वी स्टार्ट विथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन वाली बात है कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते कौन से हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स होते कौन से हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स एक पेयर होगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो एक पेयर में होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लिवो रोटेटरी होगा। तो ये सारी डिटेल में कि कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारी चीजें अब हमको डिटेल में पढ़नी है। और इनफैक्ट यदि हम सारे आइसोमर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें जो लगती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही लगती है, इसलिए इसका एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से आपको समझना ही पड़ेगा।